कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी व्यूअर्स, आज का जी व्लॉग शुरू करते हैं। और आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ आज की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया गए कि व्लॉग में आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर की। तो जी व्यूअर्स जी माशाल्लाह जी आज ही मैं बनाने लगी हूँ मुर्गा और पालक। शुरैन लेके आओ के फ्रिज में से, और प्याज भी देखिए मैंने डाल दिए हैं, और पालक को जी मैंने उबाइल करके और ग्राइंड कर लिया पालक और मिर्च को, ठीक है। टमाटर ये देखे मैंने रखे हुए हैं, और अदरक लहसुन है जी वो मैं अब इसे पेस्ट इसका अदरक लहसुन का जी बनाने लगी हूँ। सुजैन जी खा रहा है जी कुल्फा, बहुत मज़ेदार का ठंडा ठंडा कर रहा है जी। मेरे दिल से कुछ हो रहा है, मैं राज्य कर रहा हूँ कुल्फा खाना। उसमें सेवियाँ मिक्स नहीं हो रही थी, मैंने सुजैन को जी डब्बी में डाल के दिया, और सुजैन की सेवियाँ मिक्स नहीं हो रही। सुजैन मुझे पीछे खा और ले क्या फ्रिज में गोश्त पड़ा वो ले। तो जी भी बस ये देखें अंसर दिखाऊँ। और तो जी विवाह जी ये कुल्फा है ना, ये मुझे कुल्फा भी बनाना आता है, और ये जो सेमियाँ होती हैं ना इसे कहते हैं फलूता, और ये जी मुझे बनानी आती है क्योंकि जो अब मैं छोटी सी ना, मैं जब से बहन जितनी थी तब की मुझे बनानी आती है, क्योंकि ना मेरा अबू है ना कुल्फिया रेडी लगाता था कुल्फियों वाली, और मेरा कोई भाई नहीं ना होता था, तो फिर मैं अपने अबू के साथ ना कुल्फियाँ बेचती थी तो मदद कराती थी। तो इसलिए मैंने दोपहर को जब पढ़ के आना स्कूल से, तो मैंने जी ये फलूता फिर बना के ये वाली सेमियाँ जी लेके जानी, और बहुत मज़ेदार की कुल्फी और फलूता जी हम बना के बेचते थे। और अभी तो वैसे आजकल ये कुल्फियाँ मैं खाती हूँ ना, लेकिन वो वाला जायका नहीं होता, मुझे तो पता है फिर कैसा जायका वो पहले होता था। कलर डालकर वो कलर बना, अब्दुल हादी जी उठ गया, और अब्दुल हादी को जी ला के दिया जी केक और नहीं 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 भाई को नहीं देना कि नहीं एक थोड़ा सा दे दे, मुझे दे नहीं रहा, आप लोगों को दे दे जी। भी बात आपको आज छोटी सी कुछ खाना भी है, ढक्कन दे सर इधर आ, ढक्कन दे सालन पे। तो सुजैन से खाना दूध जी बॉइल हो रहा है, दूध वाला चूल्हा बंद कर दे, और गोश्त जी मैंने डाल दिया, आप पक जाता फिर इसके में जी डालेंगे पालक, और चूल्हा बंद करते ये ना कुछ दे दे उसके ऊपर। तो जी भी बढ़िया देखो माशाल्लाह जी, ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा जिसे गुगु बहुत डरता है, और ये हमसे डरता है, ये जी सिर्फ ना इससे बहुत ज्यादा ना अब्दुल हादी डरता है। और ये बच्चा जी ना तीन चार दिन हो गए ना ये हमारे घर आया है, तो काफी दिन बल्कि तीन चार दिन हफ्ता तो हो गए हाँ जी। और दूध आप पी रहा जाओ ना, इसे भूख लगती है ना तो म्यों म्यों करता है, आके हमें पता चल जाता है इसने अब दूध पी। तो ये छोटा सा टिफिन जा है बच्चे खेलने वाला था इसका खिलौना, उसमें जिसे डाल दिया दूध, और पी के फिर चुप करके जिसे हमें रहता है, और तंग जरा सा भी नहीं करता। और वाशरूम में ये बिल्ली का बच्चा जो ये ना वाशरूम जाके वाशरूम में करता है, तो इसलिए फिर मैंने भी इसे नहीं भगाया, छोटा सा तो है बहुत मशरूम था। अभी तो दांत भी नहीं सही तरह है, बिल्कुल छोटा सा मासूम सा है, तो मेरा दिल नहीं करता इसे भगाने को। देखे और सारा दिन ये खेलता रहता कमरे में जाके, फिर सो जाता है या कमरे में या किसी बाहर से हम मेहंदी ये वाशिंग वगैरह नहीं करता, या बाहर जाके करता या वाशिंग और सालन भी क्या हो जाता है। अब्दुल हादी पाकिस्तान जिंदाबाद इस हाथ से करते हैं, इस हाथ में चीज है ना पाकिस्तान जिंदाबाद। इसका बाबा इसे कहता है पाकिस्तान केक का जिंदाबाद, तो इसीलिए मुझे नहीं देना था थोड़ा सा केक, बहुत भूख है वो व्यूअर का है करो। दो दिन हो गए केक दुकान पर नहीं आया था, आज आया ये वाला ना केक इसका मन पसंद का है, तो ना दो दिन हो गए दुकान पे ना ये वाला केक खत्म हुआ था, अभी अभी आया, तो फिर दुकान वाले ने सुजैन को कहा जी केक आ गया ले जाओ अब्दुल हादी के लिए, तो अब लेके आए अब्दुल हादी ये खाने हैं, और सालन पक जाता फिर आपके साथ जो शेयर करते हैं आज की रेसिपी। वो अभी भी अंदर ही लेटा हुआ है। आया अब्दुल हादी बाहर ही नहीं आ रहा, मम्मा लेटा हुआ है वो नहीं आ रहा अभी। टांग पकड़ कर लेटा हुआ है,
वो देखे पीछे लेटा हुआ। चला अब्दुल हादी तू तू अब्दुल तो जी अब्दुल हादी का जी मैं कर रही हूँ दूध ठंडा, अभी थोड़ा गर्म है उसे ठीक कर जा ठंडा, आ जाओ दूध पी लो। देखिए भागा आया फिडर के नाम, वो उससे भी ज्यादा तेज है। अल्लाह रहमान रहीम। तो जी भी बस माशाल्लाह जी सालन भी हो गया तैयार, ये देखें पालक और गोश्त। पालक बच्चों की फेवरेट है और गोश्त मेरा फेवरेट है, इसलिए मिक्स करके पका ली है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते गोश्त तो बच्चे खाते हैं जी पालक, तो इसलिए मैंने कहा चलो पालक के साथ खा लें। जी भी बस उम्मीद भी करती हूँ जो आपको मेरा आज का व्लॉग और रेसिपी जो अच्छी लगी होगी, इसी के साथ ही आप अपनी हौसलों को इजाज़त दें, एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।